सकते कितने सालों से जो है नाले ऐसे ही हैं और इन नालों के अंदर जो है गंद डाली और गंद डाले जा रहे हैं और यही पूरी गंदगी जो है आगे की और भी जो है दिखाना चाहूँगा कि देखिए आगे की और भी जो है गंदगी जाती है। और जो सरकारों का काम है कि हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समय ऐसे भी आएगा बहुत सारे लोग जो है इस पानी के ऊपर निर्भर है, आगे भी अगर हम जाएंगे तो आगे भी बहुत सारे जो है पानी को हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इस पानी से पैदा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गंदगी की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है भद्रवाह के अंदर पूछते हैं। रिसोर्सेज जो है वो ख़राब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं खूबसूरती के ऊपर कितना इफेक्ट जो है होता है। हमारे साथ में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है जानकार और सोशल एक्टिविस्ट देशराज मनाजी हमारे साथ। बिल्कुल जामिया मस्जिद ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जिसको स्विट्ज़रलैंड के साथ, जिसको कश्मीर के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ की ग्राउंड की रियलिटी क्या है, यानी कि जो कस्बा है, जो सिटी है, उस सिटी की एरिया की हालत क्या है वो जो है दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए तो अगर यहाँ गंदगी होगी तो जन्नत कहाँ होगा? जन्नत के लोग आप ही लोग, जैसे जन्नत के लोग ही तो खराब कर रहे हैं, लोग ही यहाँ खराब करेंगे, लेकिन एजुकेशन की जरूरत है तो एजुकेशन यहाँ होनी चाहिए ताकि लोग ये गंदगी ना फैलाएं और इससे बीमारियाँ शुरू हो जाए। कोविड जो है वो भी इसी की वजह से हो जाता है, गंदगी की वजह से हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे वो ज़्यादा अटैक करता है। तो नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं द अर्बन रिपोर्ट्स। तस्वीरें देखी ये, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भद्रवाह एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जिसको स्विट्ज़रलैंड के साथ, जिसको कश्मीर के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ की ग्राउंड की रियलिटी क्या है, यानी कि जो कस्बा है, जो सिटी है, उस सिटी की एरिया की हालत क्या है वो जो है दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए, ये जो आपने गंदगी देखी ये भद्रवाह के बिल्कुल जामिया मस्जिद ऊपर है। ये देख सकते हैं कि जो भद्रवाह है, भद्रवाह की एक फेमस जो है वो ये मस्जिद है और इसी के साथ में जो है यहाँ पे रेड़ियाँ वगैरह लगती हैं और उसके साथ में नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो नीरू पुल जो है बहता है, यानी कि यहाँ से भी पानी नीरू पुल की ओर जाता है, जो कि आप जानते हैं, नीरू पुल से आप वाकिफ़ भी होंगे और जो भद्रवाही हैं वो भी जानते हैं, लेकिन ये गंदगी की वजह से कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं खूबसूरती के ऊपर कितना इफ़ेक्ट जो है होता है। हमारे साथ में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है जानकार और सोशल एक्टिविस्ट देशराज मनाजी हमारे साथ में हैं, तो इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भद्रवाह को क्या स्वच्छ नहीं किया जा रहा, या भद्रवाह की सिटी के अंदर जो स्वच्छ भारत अभियान है वो अभियान यहाँ तक पहुँचा है या नहीं। स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे सर? शुक्रिया आपका इस चैनल में हमारे आप टाइम हमको दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था, स्वच्छ भारत, कि सारे भारत को साफ सुथरा रखना है ताकि गंदगी ना फैले। कितना अच्छा लगता है, लफ्ज़ ही कितना अच्छा है और साफ करने के बाद और कितना अच्छा होता है। लेकिन जो गार बैग्स वगैरह जो ये है, पॉलीथिन बैग्स वगैरह, इन पर भी कंट्रोल नहीं हो सका। जब ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये सारी गंदगी जो ये यहाँ हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये इतना काम नहीं कर पाया एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही लोगों को एजुकेट करने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि एजुकेट करना चाहिए लोगों को, कि लोगों को खुद ही जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो गंदगी का फैलाएं और यहाँ वो ड्रम वगैरह ये रखें, उसमें लोग गंदगी डालें। नहीं, ऐसा है ना कि लोगों का बिहेवियर भी जो है चेंज नहीं होता, लोगों के बिहेवियर की वजह से भी है। बिल्कुल, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर तो लोग तो नहीं मानेंगे, इनको एजुकेट करना पड़ता है, कभी नरमी से और कभी भी थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है लोगों को एजुकेट डिसिप्लिन बनाने के लिए। तो वहाँ ये डिसिप्लिन कामयाब नहीं हो सका अभी तक। किताबों के अंदर तो पढ़ाने की कोशिश होती है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। ये सच्चाई, जबकि पहले ही पहला जो उनका जो कदम था वो था स्वच्छ भारत, उसमें ही मोदी जी फेल हो चुके हैं। वो आगे वाले कदम देख लीजिए, वो कहाँ तक उसमें कामयाब होगी ये अलग बात है। भद्रवाह बिल्कुल भद्रवाह जो एक टूरिज्म के हिसाब से इतनी खूबसूरत जगह है, स्विट्ज़रलैंड के साथ इसका मुकाबला उससे भी अच्छा है यहाँ। लेकिन गंदगी की वजह से यहाँ के बाहर जो विजिटर आएंगे वो यहाँ क्या देखेंगे? अगर स्वच्छ भारत की बात करें तो भद्रवाह से ही जो अच्छी पहले ही जिसको जन्नत बोलते हैं दुनिया के अंदर, तो अगर यहाँ गंदगी होगी तो जन्नत कहाँ होगा? तो हमारी जन्नत के लोग आप ही लोग, जैसे जन्नत के लोग ही तो खराब कर रहे हैं, लोग ही यहाँ खराब करेंगे, लेकिन एजुकेशन की जरूरत है।
तो एजुकेशन यहाँ होनी चाहिए ताकि लोग ये गंदगी ना फैलाएं और इससे बीमारियाँ शुरू हो जाए। कोविड जो है वो भी इसी की वजह से हो जाता है, गंदगी की वजह से हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे वो ज़्यादा अटैक करता है। तो हमारी यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी है वो काम कर रही है, कैसे काम काम कर भी कर रही है, लेकिन जिस ढंग से काम करना चाहिए उस ढंग से काम नहीं हो रहा, ताकि उस ढंग से काम करते तो ये गंदगी यहाँ ना होती। आप देखिए जगह जगह पर ये ढेर है यहाँ गंदगी के, यहाँ पानी पानी में है, पानी साफ सुथरा होना चाहिए लेकिन पानी में गंदगी बिल्कुल, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वो सारे खराब हो रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइट हो और लोगों को भी एजुकेट करें कि गंदगी ना फैलाएं, ताकि ये स्वच्छ भारत जो उनका मिशन है वो कामयाब हो। बिल्कुल, तो इसके साथ में क्योंकि एजुकेशन तो हर एक को दी जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है उस एजुकेशन के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन क्या मतलब क्या कहने का मकसद क्या है कि एजुकेशन तो है हर जगह पर दिखाया जाता है लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं है। लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी जानी चाहिए, वो नहीं है जिसकी वजह से ये सारी गंदगी यहाँ फैल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन अगर आप दोगे तो उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो है वो सुधरेंगी। लेकिन एक चीज़ है कि पॉलीथीन को लेकर कंपेन जो है वो म्यूनसिपलिटी ने चलाई है, सरकार पॉलीथीन बैग को लेकर जो है वो बैन की बात करती है, लेकिन पॉलीथीन जो है फिर भी ये गंदगी में आता कहाँ से? देखिए ऐसे है कि जहाँ जो फैक्ट्री से तैयार होता है उन पर बैन क्यों लगाया आज तक सरकार ने? उन पर बैन लगाएंगे पॉलीथीन बैग जहाँ बनते हैं तो पॉलीथीन मार्केट में आएंगे ही नहीं, लेकिन वहाँ पर बैन होते नहीं है, वो इंडस्ट्री चल रही है, उनसे पैसे लेते क्या करते क्या नहीं करते, उन पर कोई एक्शन नहीं लेते, बैन करते नहीं तो फिर वो कैसे बंद होंगे? ये फैक्ट्री में बंद होंगे तो ये नहीं आएंगे, लोगों के पास नहीं आएंगे, शहरों में गांव में नहीं आएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे, ये घर बैग्स यहाँ नहीं होंगे। देखिए इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार, हम ज़्यादा जिम्मेवार इसको सरकार पर ही डालते हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद ही नहीं करवाई। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं सीधा जो है सरकार को कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अगर बंद नहीं होगी, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो डिमांडिंग में है, इसीलिए वो जो चीज़ें चल रही है, अगर डिमांडिंग ही ख़त्म हो जाएगी, लोग जो है पॉलीथीन नहीं लेते तो वो इंडस्ट्रीज़ भी नहीं चलती। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज़ को ही बंद कर दिया जाए, आप अगर बैन प्लास्टिक को बैन करना चाहते हैं तो फिर प्लास्टिक पहुंचता नहीं, इंडस्ट्री को बैन कर दो तो आप प्लास्टिक मार्केट में आएगा नहीं और ऐसी चीज़ें हमें जो है गंदगी भी देखने को नहीं मिलेगी। और क्या कुछ इसमें हम ये कहेंगे कि इनके नेक्सस है आपस में, चाहे ये एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ जो ये फैक्ट्री जो है पॉलीथीन बैग बनाने की, तो इनका नेक्सस है, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, प्रैक्टिकल यहाँ कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया ना कि सरकार फिर स्वच्छ भारत के उसमें पक्ष में नहीं, सिर्फ ये नारा ही है, प्रैक्टिकल ये कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो क्या करना चाहिए आपकी आपकी तरफ से क्या कुछ कहेंगे? हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें और अच्छे लोगों के आगे लाएं और लोगों के अंदर ही अवेयरनेस हो, जब तक वो नहीं होगी तब तक कुछ बात नहीं होगा। देख सकते हैं आपकी ये और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नीचे की और की आप तस्वीरें देखिए कि जो नीचे तस्वीरें आप जो देखेंगे, देखिए इसी तरफ अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊँगा तो कितने सालों से ऐसा होता आ रहा है और ये कंटिन्यू देख सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को जो यहाँ से नीरू पुल जो है वो भद्रवा से बहता है पुलडोड़ा की ओर जाता है, पुलडोड़ा में भी जाएंगे तो यहाँ का रंग और उस पानी का रंग जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से गंदा पानी जो है वो चनाब के अंदर जा रहा है। और ये देख सकते कितने सालों से जो है नाले ऐसे ही हैं और इन नालों के अंदर जो है गंद डाले जा रहे हैं और यही पूरी गंदगी जो है आगे की ओर भी जो है दिखाना चाहूँगा कि देखिए आगे की ओर भी जो है गंदगी जाती है। और जो सरकारों का काम है कि हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समय ऐसे भी आएगा बहुत सारे लोग जो है इस पानी के ऊपर निर्भर है, आगे भी अगर हम जाएंगे तो आगे भी बहुत सारे जो है पानी को हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इस पानी से पैदा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गंदगी की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है भद्रवाह के अंदर भी उठते हैं कि क्या ये भद्रवाह है, क्या ये जन्नत है जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो है कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से भद्रवाह के अंदर जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको जो है मैनेज किया जाए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो गाड़ी जो है वो सुबह सुबह तो ज़रूर आती होगी और ये भी रिक्वेस्ट करती होगी कि आप जो है उस गाड़ी वाले घर से जो कचरा वो जो म्यूनसिपलिटी की तरफ से गाड़ी आती है उसके अंदर कचरा डालें, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसके अंदर कचरा नहीं डालते हैं और ये रिक्वेस्ट बार बार एमसीडी करती है या यहाँ भद्रवाह की जो म्यूनसिपलिटी होगी वो भी करती है, लेकिन रियलिटी जो है वो रियलिटी ये है कि ये जो नालों में लोग डालते हैं इनको किस तरीके से रोका जाए, या सरकार इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस करती है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं तो इन चीज़ों को कैसे रोका जाए वो कुछ लोगों ने जो है बताया भी। और
किस तरीके से भद्रवाह को खूबसूरत किया जाए, यह आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। सुलेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त और आप बने रहें द अर्बन रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। और यही मेरा नया पता है, यानी कि सुलेंद्र परिहार का नया पता द अर्बन रिपोर्ट है। सब्सक्राइब करें, लाइक द अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सुलेंद्र परिहार जो हैं काफी अच्छे से इसको चला रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको फॉलो करें। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आप द अर्बन रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही इसके फॉलोवर बढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। द अर्बन रिपोर्ट्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे सुलेंद्र परिहार को अच्छे से अच्छे बार कमेंट करें।